मेरे बिना तुझे भी अपनी जिंदगी से कुछ गिले होंगे। हम यूं इतना मिले होंगे जी। दोस्तों, मैं हूँ इकबाल, इकबाल शाह। मैं मौजूद है हमारे साथ आयशा। बात करें पहली मोहब्बत के हवाले से। व्हाट यू थिंक, आप भी बताइए, क्या इंसान अपनी पहली मोहब्बत को बुला सकता है या नहीं बुला सकता? आयशा, तुम क्या कहोगे, क्या इंसान अपनी पहली मोहब्बत को बुला सकता है? पॉसिबल होता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर पहली मोहब्बत की और वो मोहब्बत ही की है, यानी कि सच्ची मोहब्बत दिल से की है आपने, तो आप बिल्कुल भी बुला नहीं नहीं बुला सकते सकते और हैं। नहीं बुलाना भी नहीं चाहिए ना, ये गलत हाँ, बात है। ये देखो, ये अलग बात है कि बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन यू भूल थिंक खुद से दिल से भी नहीं आप भूल सकते, उसकी नहीं याद आपकी ना रूह में बस चुकी होती है। सच्ची मोहब्बत ना रूह से होती है, ना उधर दिल या आंखों से, या अच्छा लग रहा है इंसान उससे, उसकी रूह से होती है। रूह से होती है। क्या बात। अच्छा आयशा, यहाँ किसी ने कहा कि आपने पहले मोहब्बत की, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद आप भूल जाते हैं, कैसा होता है? या शादी के बाद भी इंसान अपनी पहली मोहब्बत को याद रखता है? देखिए, अब ये ना जो बिल्कुल दूसरी तरफ आ गए बात को लेके ना, कि अब शादी हो गई है उस इंसान की भी या आपकी भी, ठीक है, हाँ, और चलो शादी हो गई, अब आपकी जिससे शादी हुई है ना, वही आपकी सच्ची मोहब्बत है, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके लिए चुना है, आपने बिल्कुल नहीं चुना उसे। बिल्कुल। अच्छा आयशा, बाजूका जिस तरह हमने यहाँ रेडियो पे बात की, क्योंकि तुम्हारा अपना भी एक्सपीरियंस है काफी, जब हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो देख, बाजूका काफी से मुराद मतलब काफी अच्छा आयशा, मेन के आप मोहब्बत करते हैं, आप प्यार करते हैं, और अगला शख्स ये जानता है क्या, ये मुझे बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसके बाद वो बाज़ुकात ऐसा नहीं कि जरा भ्रम में, जोड़े में आ जाते हैं, आपको जी, इग्नोर करने लगते हैं, या फिर आपकी वर्थ कम होने लगती है, ऐसा होता है क्या? या अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? क्या फासला रखना चाहिए? आपको भी उसी तरह नहीं भ्रम एटीट्यूड से आना चाहिए, या तुम क्या नहीं ये कहोगे? सब ना बातें ना सिर्फ लोग बनाते हैं कि आप भी फासला रखो, आप भी क्या कहते हैं, कॉल करे हाँ, तो इग्नोर जवाब ना करो, इग्नोर करो करो, नहीं, आप जो है ना वो बारिश की तरह बरसो। और बंजर जमीन जो होती है ना, वो जैसे बारिश होने के बाद खिल जाती है, तो इसी तरह आप उसकी लाइफ में रहो, हमेशा बरसाते रहो। ज्यादा बारिश भी नहीं, मतलब कि ज्यादा बारिश भी तो पता चला कि सैलाब आ वो जाएगा। सैलाब ही आ गया। हाँ थोड़ा थोड़ा प्यार आप उसे देते रहो उसकी जिंदगी में, देखिए वो एक वक्त आएगा कि वो भी इस बात को एग्री करेगा, यार मैंने तो उसे कैसे इग्नोर कर रहा था, मैं इसे किस तरह से इसके मैसेज भी नहीं देखता था, इसको कॉल भी नहीं करता था, लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करती है, करता है, तो वो भी उसके दिल में भी खुद खुद जगह बन जाएगी। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आजमाया मेरा तरीका है। अच्छा आयशा, व्हाट थिंक, क्या एज डिफरेंस मैटर करता है लव में, नहीं, मोहब्बत में, बिल्कुल भी शादी नहीं में? करता, बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपको किसी इंसान से सच्चा प्यार हो जाए ना, तो उसकी ना एज देखी जाती है, और ना ही ना बैंक बैलेंस देखा जाता है, जो लेकिन मुझसे कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह यहाँ सूफिया ने भी कहा कि यार आजकल शादी जो होती है मफाद के लिए शादी होती है, देखा जाता है कि बैंक बैलेंस कितना है, या हमें कितना फायदा होगा। शो बिजनेस में भी ये देखने आजकल जो जी हो रहा है बिल्कुल, आजकल तो कि लेकिन लोग ये देखते हैं, लेकिन अगर आप सच्चा प्यार कर रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं देखते, एज तो बिल्कुल भी नहीं देखते, क्योंकि आपको प्यार होता है किसी इंसान से, इंसान के वजूद से, उसकी रूह से, ना कि उसके पैसों से या उसकी एज से या वो दिखता कैसा है, बस हो जाता है। लेकिन आयशा, पैसा भी तो जरूरत है ना इंसान देखिए की मैं कहती जिंदगी हूँ बहुत में। जरूरी है, बहुत हाँ जरूरी है, सब इस पे हाँ एग्री करेंगे, बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ आप खुद भी तो कमा सकते हो, आपके हाथ पैर नहीं है क्या, आप खुद कोई काम नहीं कर सकते हो, आप खुद कमाओ अपने बलबूते पे, आप फिर प्यार हासिल करो। ये कैसा प्यार हुआ कि जो पैसा देखा जाता है रिश्तों में, ज्यादातर यही देखा जाता है, और अक्सर ऐसा है घरों में लड़कियां और लड़के बैठे हुए इसीलिए कि भाई अच्छी नौकरी नहीं है, लड़की अच्छा हाँ कमाता नहीं है, जहेज क्या बिल्कुल लाएगी लड़की, तो इस चीजों को ना देखें आप, बल्कि शादी करें, मोहब्बत बढ़ाएं और खुशियां देखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। कहते हैं ना कि अब आप खाना तब खाते हैं जब आपको भूख होती है। अब जवानी में आपकी ये जरूरत है, जरूरियात होती है, तब आपको सेटल होना है, फिर उसके बाद आप 40-45 की बात करते हैं, 45 की बात करते हैं, फिर क्या फायदा, है जी बिल्कुल, ना? बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको स्कूल छोड़ के आना, स्कूल लेके आना, ये सारी ट्यूशन दे छोड़ के आना, ट्यूशन लेना, तो यही वक्त है कि आप जो है अपनी मोहब्बत को पाएं, और बिल्कुल भी ना देखें कि इसकी एज है या इसके पास जेब में पैसे हैं कि नहीं है। अगर देखें आपकी कोई बर्थडे आ रही है और आप कह रहे हो बहुत अच्छा गिफ्ट हो, मैं कहूँ एक गुलाब का फूल भी वो लिया है ना आपके लिए बहुत प्यार से, तो आप उसे अपनाओ, उस फूल को, वो बहुत कीमती है आपके लिए। क्या बात है जी। और कहते हैं ना कि हर रूप में तेरा, हर फूल में तेरा रूप बसा है, हर फूल में तेरा रूप बसा है आयशा, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस, डू गिव योर कॉमेंट। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, थैंक यू। बाय।